الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم न हो जब तक उसूल ज़िंदगी कुरानी नहीं मुमकिन मुसावात व अख़ुव्वत फरावानी क्यों न हो ममताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में वहाँ मज़हब किताबों में यहाँ कुरान सीनों में मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मुअज़्ज़िज़ मुकर्रम उलमा इकराम और असातिज़ा इकराम आज मैं जो उन्वान आप हजरात के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है कुरान किताब इनकलाब है। मेरे दोस्तों कुछ देर के लिए इस हालिया ज़माने को छोड़कर कुछ देर के लिए इस दौड़ती हुई ज़माने को छोड़कर मेरे दोस्तों 15 सदियां पीछे लौटकर तारीख का मुताला करके देखो मेरे दोस्तों जुल्मत ही जुल्मत था अंधेरा ही अंधेरा था जिना आम थी बदमाशी आम थी डाकू डाका लगाने में फ़ख्र करता था चोर चोरी करने में फ़ख्र करता था जानी जिना करता था इंसान इंसान की खून का प्यासा बन चुका था जिंदा दरगोर बच्चियों को किया जाता था औरत हैवानों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी इंसान का टमटमाता हुआ चिराग बुझने को था उस अल्लाह को रहम आ गया उस अल्लाह को जिसने ये दुनिया बनाई जिसने आसमान को बिना सुतून के खड़ा कर दिया वो अल्लाह जो समंदर में मछलियों को खिलाता है वो अल्लाह जो हमें खिलाता है वो अल्लाह जो हजर में खिलाता है वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया वो अल्लाह जो मुशरकों को भी खिलाता है उसी अल्लाह को इस अशरफुल मखलूकात की ज़िंदगी पर रहम आ गई उसने कायनात के मुकद्दस तरीन इंसान को रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा और उस अपने पैगंबर अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम को कुरान की सूरत में एक दस्तूर दिया हिदायत का मंशूर दिया और कुरान ने हमें वालदैन के हुकूक सिखाए कुरान ने खुदा का हुकूक सिखाया कुरान ने रसूल के हुकूक बताए कुरान ने मुसलमान के हुकूक बताए कुरान ने गैर मुसलमानों के हुकूक बताए कुरान ने मज़हब बताया कुरान ने दीन का हुकूक बताया कुरान ने हमें जहन्नम का रास्ता बताया कुरान ने हमें जन्नत का रास्ता बताया कुरान ने ऐसा इनकलाब बरपा कर दिया कि दुनिया उसकी मिसाल लाने में कासिर रह गई है कुरान ने अकायद बदल डाले शहर बदल डाले कुरान ने अकायद बदल डाले शहर बदल डाले सोचने के अंदाज बदल डाले बातिन बदल डाले जाहिर बदल डाले जो जाहिल था वो आलिम बन गया जो जाहिल था वो आलिम बन गया जो लुटेरे और डाकू थे वो मुहाफिज और निगहबान बन गए हज़रत अबू बकर को देखो सिद्दीक अकबर बन गया हज़रत उमर को देखो फारूक आज़म बन गया हज़रत उस्मान को देखो जिन्नो रैन बन गया हज़रत अली को देखो हैदर कर्रार बन गया। बस मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आप सबको कुरान पढ़ने पढ़ाने समझने समझाने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।